टू आर्यन केमिस्ट्री की पॉइंट। हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया पार्ट वन में कि जो है उसका डिफिनीशन यानी पेरिसाइकिल का डिफिनीशन क्या होगा और वो कितने टाइप के होंगे, ठीक है, और हमें उसके बारे में क्या स्टडी करना था, तो हमने उसको बताया था, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों कि फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल का हम मतलब को हम लिखते कैसे हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है देखते हैं। तो दोस्तों ये बात मैं बता दे रहा हूँ कि पेरिसाइकिल में हमें ज़्यादा कोई डीप की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, बिकॉज ये जो होती है फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल या हकल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी से क्या होता है डिराइव किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सब पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोस्तों शॉर्ट में बात करेंगे जो पेरिसाइकिल हमें ऑर्गेनिक से मतलब पेरिसाइकिल से मतलब है, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो है हमें फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल किसी का अगर देखना है तो कैसे हम देखेंगे और क्या बनाएंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि जो है इथाइलिन, ठीक है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं इथाइलिन मॉलिक्यूल का, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम होमो एंड लोमो भी देखेंगे कि हम होमो एंड लोमो कैसे फाइंड आउट। मेन हमारा जो मतलब फ्रंटियर मॉलिक्यूलर बनाने का जो मेन एम है वो है होमो एंड लोमो, ठीक है। तो हम ये देखेंगे 2017 में यानी दिसंबर में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर से ही रिलेटेड था, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक उसका, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, जो 4 मार्क्स का था, ठीक है। तो हम इसका जो है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन 1 है, सॉरी 2 है। तो हम इसको क्या करते हैं Ψ1 एंड Ψ2 में पहले हम क्या करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कि जो है ऑर्बिटल कितने बनेंगे, तो 2 कार्बन है तो क्या होगा इसका, हम दोनों को क्या करते हैं दोनों का ऑर्बिटल बना लेते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल बना लिए और यहाँ पे एक ऑर्बिटल बना लिए, ठीक है, बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका जो है हमें वो देखना होता है कि यह कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेगा या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। यानी ओवरलैपिंग को क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा या कंस्ट्रक्ट करेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि नंबर ऑफ नोड कितने होंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या है नंबर ऑफ नोड देखने होते हैं। तो नंबर ऑफ नोड क्या क्या करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, मान लीजिए क्या साइन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो एन की वैल्यू को क्या करते हैं हम -1 से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आता है वही नंबर ऑफ नोड हो जाता है, ठीक है। तो वही क्या होता हो जाता है दोस्तों नंबर ऑफ नोड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं नोड कैलकुलेट करते हैं, तो -1 हम क्या करते हैं यानी इस जो एन की वैल्यू होगी उसमें से -1 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा हमें नंबर ऑफ नोड्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है Ψ1 है, अब Ψ1 है तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे फेज के देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे क्या है एन इजकल टू 1 है, तो 1 - 1 = कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यानी इजकल टू 1 हो गया, 1 में से क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसका मतलब नंबर ऑफ नोड जो हो गए इसमें नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। अब 0 होगा इसका मतलब जो होगा यह कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेगा, तो यह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी प्लस प्लस हो जाएगा एबव में, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं Ψ2, ठीक है। तो हम Ψ2 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखे होंगे कि इसमें क्या होता है सिग्मा, अगर हम बात करते हैं लीनियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, तो लीनियर मॉलिकुलर कम्बिनेशन में हम देखते हैं तो एक होता है सिग्मा, एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्लस प्लस जो होता है जब ओवरलैप करता है दोस्तों, तो उसको हम क्या करते हैं लीनियर कम्बिनेशन, या आप कह सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, बॉन्डिंग, ठीक है। तो यह बॉन्डिंग हो गया, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो गया, जिसे हम BMO बोलते हैं, ठीक है। अब उसकी बात दूसरी बात करते हैं Ψ2, ठीक है। तो Ψ2 के लिए हम भी क्या करते हैं फिर दोबारा हम क्या करते हैं 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अब 2 ऑर्बिटल बनाते हैं, 2 ऑर्बिटल बनाने के बाद हम क्या करते हैं नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं एन की वैल्यू देखते हैं, एन की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 - 1 = 1, यानी नंबर ऑफ नोड कितने होंगे 1। तो नंबर ऑफ नोड हम क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं। अब सपोज करिए कि नंबर ऑफ नोड क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है जो मिरर है, ठीक है। तो यह क्या करता है, आप जैसे देखते हैं कि आप मिरर के सामने क्या क्या होता है, आप जब खड़े होते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है आपका लेफ्ट हैंड होता है वो राइट हैंड दिखता है, राइट हैंड जो होता है वो लेफ्ट हैंड दिखता है। तो उसी टाइप से सपोज करिए कि अगर हम नोड यहाँ पे एक नोड रखते हैं, ठीक है, एक नोड अगर है तो यह क्या होता है प्लस जो होता है यह रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। यह बात है
हकल मॉलिक्यूलर थियरी से आता है, तो हम इतना ही हम शॉर्ट में बता सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर नोट रखते हैं तो यह क्या होता है, ओवरलैपिंग इसका डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है दोस्तों, और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों एंटी बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। अब बात करते हैं कि इसमें अब हमें मेन जो कैलकुलेट करना था दोस्तों, वो था होमो एंड लूमो। ठीक है, होमो एंड लूमो, तो यहाँ पे हम माइनस रख देंगे, यहाँ पे माइनस। तो होमो एंड लूमो की कंडीशन में हमें दो टाइप से होगा। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होता है वो टू मेथड से प्रोसीड होता है। फर्स्ट में हम बात करते हैं कि वह या तो हीट दिया होगा, या तो एच न्यू कंडीशन यानी फोटोलिटिक कंडीशन दिया होगा, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। दो ही कंडीशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा होगा, यहाँ पे एच न्यू कर सकते हैं। कि अगर सपोज करिए कि डेल्टा है तो उसका होमो क्या होगा, एच न्यू होगा, तो उसका होमो एंड लूमो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि होमो एंड लूमो की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या 2π इलेक्ट्रॉन है। आप हुंड के रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग में ही क्या करते हैं, ऑर्बिटल को फिल करते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, टू इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिलअप कर दिए। उसके बाद जो है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं होमो। ठीक है, तो होमो मतलब हो गया दोस्तों हाइएस्ट, हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ल्यूमो की, ठीक है, तो ल्यूमो मतलब क्या होता है, लोवेस्ट मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, लोएस्ट मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं इसमें, इसमें क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें प्रेजेंट है यानी साई वन में क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका होमो जो होगा, ठीक है, यह हो जाएगा यानी साई वन, इसका होमो क्या हो जाएगा दोस्तों, साई वन हो जाएगा। अब ल्यूमो की बात करते हैं तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है। तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब जो सबसे क्या होता है, ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम हो। ठीक है, तो सबसे कम जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यह ल्यूमो हो गया। ठीक है, तो इसका ल्यूमो जो होगा वह दोस्तों साई टू क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं एच न्यू कंडीशन में। एच न्यू कंडीशन को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट कंडीशन। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट कंडीशन हम बोलेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप कर जाता है। तो यहाँ पे जंप करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जंप कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इसी को दोस्तों हम बोलते हैं होमो। ठीक है, और या बोल सकते हैं सुमो। ठीक है, सुमो एंड लूमो। ठीक है, सुमो, सॉरी, होमो एंड सुमो। तो सुमो मतलब होता है दोस्तों सिंगल। सुमो की अगर हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हो गया सिंगल, सिंगल अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, अगर कहीं से भी रिएक्ट करना है तो होमो का भी यूज यही होगा और लोमो का भी यूज यही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि साई टू ही इसका होमो होगा और साई टू ही इसका सुमो होगा। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन फाइन मतलब कभी कभी क्या के आस्क किए जाते, पूछे जाते हैं बाय द CSIR, तो उसमें होता है कि होमो क्या है, सुमो क्या है। ठीक है, तो होमो एंड सुमो एक ही होगा, साई टू। ठीक है दोस्तों, और इसी में भी इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अगला देखते हैं एग्जांपल जो है FMO है, 1,3-ब्यूटाडाइन का FMO हमें देखना है। ठीक है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन का फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होगा उसको हम देखेंगे, एंड जो है उसमें हम होमो एंड लूमो फाइंड आउट करेंगे कि उसका होमो एंड लूमो क्या होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन है। तो पहली बात तो हम क्या करते हैं, 4 साई वन बना लेते हैं। साई वन से लेकर क्या करते हैं, साई फोर तक हम क्या करते हैं लिख लेते हैं, साई वन साई टू। ठीक है, तो साई वन हो गया, साई टू एंड साई थ्री एंड साई फोर। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए हमने साई वन साई टू साई थ्री साई फोर लिख लिए। ठीक है, उसके बाद 4 कार्बन है, हम क्या करते हैं, 4 कार्बन को हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट बनाने के बाद क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, सर्कल लाइन खींचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 4 लोब बनाते हैं। 4 लोब बनाने के बाद, ठीक है, 4 लोब बना लिए। अब उसके बाद हमें दोस्तों मैंने बताया कि नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ नोड के लिए मैंने बताया कि n-1 वाला रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 है, तो 1-1 = 0, यानी नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे, 0 हो गया। इसका मतलब है कि पॉजिटिव जो होगा
पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे, ऊपर ही होंगे, एंड नेगेटिव जो होगा वो क्या होंगे, नीचे होंगे। यानी या दोस्तों या क्या होंगे, ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे और या BMO हो जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि जो है साइटू। ठीक है, तो साइटू की हम बात करते हैं, तो साइटू में हम नंबर ऑफ नोड पहले क्या करते हैं, फोर ऑर्बिटल बनाते हैं, फोर ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो फोर ऑर्बिटल हमने बना लिया। ठीक है, थोड़ी दोस्तों क्या है, मेरी आर्ट थोड़ी गड़बड़ है तो उसको आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो साइटू क्या है, टू है, तो क्या है, 2 माइनस 1। ठीक है, 1 इजकल टू 1, यानी नंबर 2 माइनस 1 इजकल टू 1, यानी नंबर ऑफ नोड कितने होंगे दोस्तों, 1 होंगे। ठीक है, तो 1 होंगे, तो यहाँ पे 1 नोड हमें रखना होगा। तो यहाँ पे जो नोड होता है तो क्या करते हैं दोस्तों, 2 को क्या करते हैं, इसके बीच में हम सिमेट्रिकली क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, यानी बीच में। ठीक है, यहाँ पे रख दिए। अभी यहाँ बीच में एक नोड रखने पर क्या होगा, सपोज करिए यह पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जब नोड रखे तो यह क्या होगा, हमने बताया कि अगर नोड रखे हैं तो मिरर समझिए इसको, तो मिरर समझते हैं, तो मिरर क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव जो होगा नीचे आ जाएगा और नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव ही ऊपर चला जाएगा। अब यह क्या होगा, यह भी वैसे ही होगा, अगर यह पॉजिटिव है तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, मिरर रखें, तो यह भी पॉजिटिव नीचे चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह दो तो ओवरलैपिंग यहाँ से यहाँ कर सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ करने में एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकेंगे कि दोस्तों कि टोटल अगर हम बात करते हैं तो यह कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगा। अब साई थ्री का अगर हम बात करते हैं तो साई थ्री का अगर हम देखते हैं तो 4 पहले लोब बना लेते हैं। ठीक है, 4 लोब बना लेते हैं दोस्तों, साइज एक ही बनाएंगे आप अच्छे से। ठीक है, तो साइज 3 है तो इसका नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करेंगे तो 3 माइनस 1 इजकल टू हो जाएगा 2, यानी नंबर ऑफ नोड हो जाएंगे 2। 2 क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक रखते हैं फिर यहाँ पे एक रखते हैं। ठीक है, 2 नोड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव हो गया मान लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कोई नेगेटिव सॉरी कोई नोड्स नहीं है इसमें, तो कोई नोड नहीं है, इसका मतलब है कि या नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, यानी ऊपर ही रहेंगे, यानी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ये दोनों कर लेंगे, या पॉजिटिव है तो नीचे पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे एक नोड लगा दिया गया, इसका मतलब है कि या फिर से रिफ्लेक्ट हो गए नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा पोजिशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नीचे है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यह आपका साई 3। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं साई 4 की, हम बात करते हैं तो साई 4 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 4 क्या करेंगे, ऑर्बिटल बना लिए। ठीक है, अब 4 ऑर्बिटल हो गया, अब इसमें भी क्या करना है, साई 4 के लिए हमें नोड्स कैलकुलेट करने होंगे। नोड कैलकुलेट करने के लिए 4 माइनस 1, 4 में ही 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, यानी इसका मतलब है 3 नोड्स होंगे। 3 नोड्स को हम क्या करते हैं, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ 2 हो गया, एंड 1 यहाँ 3 हो गया। सपोज करिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखे हैं तो यहाँ निगेटिव होगा, इसका मतलब अगर हम नोड लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, और फिर यहाँ पे नोड है, इसका मतलब निगेटिव नीचे चला जाएगा या पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यह पॉजिटिव क्या है, नीचे है ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, नोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, और यह निगेटिव क्या है, यहाँ पर नोड लगा हुआ, इसका मतलब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यह आपके दोस्तों होमो यहाँ पे क्या हो, फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल पूछ जो है आपको बता दिए गए, इसी टाइप से दोस्तों फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल दिया हुआ था कहीं पे, ये बात देखें जो है एग्जाम में क्या हुआ था दोस्तों, इसी प्लस को या माइनस को आप क्या करेंगे, इसको हम सर्कल, कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्लस है तो इसको क्या करते हैं, हम सर्कल से दिखा दें, इसको डार्क कर देते हैं और इसको वैकेंट कर देते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है, आप प्लस को क्या करते हैं, डार्क कर देंगे, और माइनस को क्या करेंगे, इसका मतलब प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा सकते हैं, और माइनस मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैकेंट है, मतलब ऐसा होता नहीं है, लोग इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, यानी प्लस यानी ऊपर हम क्या करते हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और नीचे क्या करते हैं हम वैकेंट छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इम्प्टी होता है, तो इसी टाइप से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या करते हैं फिल कर देते हैं, यहाँ पे फिर फिल कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, यहाँ पे भी डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है CSIR नेट 2017 में दिसंबर में पूछा गया था, जो 4 मार्क्स का था। ठीक है, तो उसको चाहे उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। ठीक है, यानी यह फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल आपका बन गया। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है होमो एंड लूमो। ठीक है, तो होमो एंड लूमो के लिए हम क्या करते हैं, 4 लाइन ऐसे ये सबके लिए देखेंगे कि कौन सा होमो होगा कौन सा लूमो होगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे एक कंडीशन और देख लेते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं डेल्टा कंडीशन में दिया होगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वन यहाँ पे क्या है, वन पाई बाउंड यहाँ है, वन पाई बाउंड यहाँ है, इसका मतलब कुल फोर जो है पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब फोर पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो फोर इलेक्ट्रॉन को हम पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉरी फिलअप करेंगे। तो हुंडस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिलअप करते हैं, तो पहले फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, ठीक है, फिर थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, यानी फोर कार्बन यहाँ पे देख रहे हैं कि आप क्या है, यहाँ पर टू पाई इलेक्ट्रॉन है, तो टू पाई सॉरी टू पाई बॉन्ड है, तो टू पाई बॉन्ड मतलब कुल इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब फोर इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, पहले फिलअप करते हैं, तो साई वन हो गया, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे साई वन, ये हो गया साई टू, और ये हो गया साई थ्री, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो साई वन साई टू साई थ्री साई एन साई फोर जो यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे होमो की बात करते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहीं पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये दे दीजिए होमो। एंड यहाँ पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है कि ये ऑर्बिटल वैकेंट है, वह ऑर्बिटल वैकेंट है, इसका मतलब है कि यह ल्यूमो हो गया, ठीक है दोस्तों, यह ल्यूमो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमें एच न्यू कंडीशन दे दिया जाए तो एच न्यू कंडीशन में होमो एंड ल्यूमो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको देखेंगे। अभी एच न्यू कंडीशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट कंडीशन, और इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, तो अभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक यहाँ का, अब यहाँ से तो जंप करेगा नहीं, सबसे पहले यहीं से जंप करेगा, तो इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें होमो कौन सा होगा, तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल यही होगा, ठीक है, यानी इसको बोलेंगे हाईएस्ट मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाईएस्ट मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होगा, यह होमो हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, ल्यूमो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ल्यूमो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि होमो यहाँ हो जाएगा, यानी इसका अगर होमो देखेंगे तो साई थ्री होमो हो जाएगा, और इसका ल्यूमो देखेंगे तो साई फोर क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यह कौन से सिमेट्रिक होंगे या एसिमेट्रिक होंगे, ठीक है। तो इसको हमें देखने के लिए हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे बात करते हैं सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की, तो हम मान लीजिए क्या है, साई अगर क्या है ऑड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल वन है एंड थ्री है, ठीक है। तो वन एंड थ्री में अगर हम बात करते हैं तो अगर ऑड है, तो अगर हम क्या करते हैं, एक कोई प्लेन पास करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई प्लेन इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं, तो यह क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्ट करने की वजह से क्या होगा, सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। तो यानी प्लस यहाँ है, प्लस है, यहाँ पर क्या करते हैं, कोई इमेजिनरी प्लेन रखते हैं, तो यह प्लस प्लस क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यह सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई बाइसेक्ट करें, सपोज करिए हम इसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो टू इक्वल पार्ट में क्या होगा, बाइसेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, ठीक है। तो यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, और जो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं होने की वजह से क्या, एसिमेट्रिक हो गया। और यहाँ पे हम बात करते हैं सिमेट्री की, अगर हम इमेजिनरी प्लेन यहाँ पे क्या पास करें, ठीक है, यानी कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने हैं, मेन हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर हम यहाँ पे पास करते हैं, तो अगर हम बात पास करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो यानी कोई एक ऐसा लाइन पास करते हैं जो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो टू पार्ट में डिवाइड होगा, तो यह निगेटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज का मिरर इमेज हो जाएगा, या प्लस चार्ज प्लस चार्ज का मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कहीं पे भी क्या करते हैं, अगर कोई इमेजिनरी एक्सिस पास करते हैं, ठीक है, तो इमेजिनरी एक्सिस पास करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, ये एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख रहे थे सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है हमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक भी देखना होता है। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस पास करते हैं, जैसे C2 एक्सिस पास करते हैं, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कहा जाता है कि एक इमेजिनरी एक्सिस ऐसा लेते हैं जो क्या करते हैं, पास करें, जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है।
तो हम दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्सिस यानी क्या करते हैं, एक इमेजिनरी एक्सिस पास करते हैं जो दो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, तो उसे हम सिमेट्रिक बोलते हैं। तो साई वन क्या हो जाता है दोस्तों, आड है, तो इसमें क्या है, साई वन जो है आड है, तो हम कहेंगे यह सिमेट्रिक होगा। क्या होगा दोस्तों, सिमेट्रिक होगा। और अगर हम बात करते हैं साई टू की, ठीक है, तो साई टू अगर इवेन आ गया, ठीक है, तो अगर इवेन है इसमें, ठीक है, तो इवेन में आप देख रहे हैं कि अगर हम कोई इमेजिनरी लाइन पास करते हैं तो टू इक्वल पार्ट में यह डिवाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव निगेटिव है, ठीक है, तो यह क्या होगा, सिमेट्री ए सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, ए सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर दोस्तों उसी टाइप से यह भी साई फोर भी क्या था, इवेन था, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो ये दोस्तों अगर ऑड है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होंगे, अगर इवन है तो ए सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। तो हम जो है दोस्तों अब बात कर लिए हैं कि इसका होमो क्या होगा, ल्यूमो क्या होगा, तो वही है इसकी, अगर डेल्टा कंडीशन में दिया गया है तो साई टू क्या होगा, होमो होगा, एंड साई थ्री क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा, ठीक है। अगर एच न्यू कंडीशन दिया है तो साई थ्री जो होगा वो होमो हो जाएगा और साई फोर क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा। तो दोस्तों हम अगले जो है लेक्चर में देखेंगे कि हम होमो एंड ल्यूमो को कैसे फाइंड आउट करते हैं फार्मूला के थ्रू, ठीक है। तो होमो ल्यूमो के थ्रू हम फार्मूला, होमो ल्यूमो को हम क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका हम फार्मूले के थ्रू हम देखेंगे। तो अगला टॉपिक जो होगा, अगला जो लेक्चर होगा, वो होमो ल्यूमो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखेंगे बाय द मतलब फार्मूला। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो या पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइए। और आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको जो है कमेंट में डालते रहे, ताकि मैं उसके ऊपर कोई दूसरा वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।